वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज है हमारे पास ये हाइकस रूबिजिनोसा का प्लांट और वो हरा भरा हो गया है, तो उसको बिगाड़ने का वक्त आ गया है मेरे ख्याल से, यानी हम ट्रिमिंग करेंगे अब फ्यूचर शेप के लिए। उसके दूसरे भी वीडियोस हो गए, आप देख सकते हैं चैनल पे, मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। तो जल्दी ही प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगा मेरा, जैसे जैसे वीडियो आते जाएंगे प्लांट्स के, उसके पास्ट वीडियो है वो सब उसके साथ अटैच होते चले जाएंगे, तो उसमें थोड़ी देरी हो सकती है क्योंकि 700 से ज़्यादा वीडियो है हमारे पास चैनल पे अवेलेबल। तो प्लेलिस्ट होगी तो अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। अनवांटेड ब्रांच पहले, यानी अनवांटेड ग्रोथ, हम तैयार कर रहे हैं प्लांट को ऊपर से नीचे की ओर। तो यहाँ हमें हर वक्त नज़र बनाए रखनी है मेन स्टेम में कोई ग्रोथ ना हो, ग्रोथ हमें आगे चाहिए है। अभी ये अननेचुरल लगेगा, जैसे जैसे मैच्योर होता जाएगा उसकी ब्यूटी बढ़ती चली जाएगी। और ये है फाइकस रूबिजिनोसा, यानी यहाँ जहाँ ग्रोथ होगा वहाँ इस तरह का ब्राउन सा कलर होगा, रेड की तरह। कभी कभी पत्ते भी कलरफुल लगते हैं, और उसी के जैसा दिखने वाला और एक फाइकस होता है जो बिल्कुल सेम दिखता है मगर उसका कलर केवल ब्राइट येलो तरह की तरह होता है और ग्रीन रहता है वो हमेशा, यानी ब्राइट ग्रीन या येलो भी दिखता है थोड़ा न्यू ग्रोथ में। तो ये फ़र्क महसूस करना है और काम करते रहना है, ट्रिमिंग करना है, सिंपल है। न्यू ग्रोथ हुआ है, ट्रिमिंग किया था मैंने पहले, शायद उसका वीडियो ना बनाया हो मैंने। और इस सीज़न में इस प्लांट का प्रोपोगेशन बहुत ही बेस्ट टाइम है। जो भी हम ज़्यादा मोटी कुछ पतली ब्रांचें निकालते हैं उसको हम इजीली विद इन 10 सेकंड अगर इंसर्ट कर देते हैं उसी प्लांट के पॉट में, तो हमें एक नया प्लांट मिलेगा जिसको अगले साल आपको उस पर काम करने का मौका मिलेगा। और आप उससे कोई मामे बोनसाई, या अगर आपने उसको ग्राउंड में रखा है तो कुछ बढ़िया सा बोनसाई ट्रेनिंग कर सकते हैं, 1-2 सालों में तैयार हो भी जाता है। तो अभी कटिंग का भी बेस्ट सीजन है, स्प्रिंग के बाद बढ़िया सीजन होता है कटिंग का दोस्तों, ये मॉनसून का। और इस फाइकस में ये फ़ायदा मिलता है कि इंटरनोड बहुत ही कम नज़दीकी होते हैं, यानी नज़दीक ब्रांच ग्रो होती है, तो बहुत ज़्यादा ब्रांचें मिल जाती हैं हमें ट्रिमिंग के बाद। तो हमें बहुत सारी जो ब्रांचें हैं वो तो निकाल भी देनी पड़ती है, तो यानी ट्रिमिंग के बाद यहाँ ब्रांच नहीं मिलने की संभावना बढ़ जाती है, नई ब्रांच मिल ही जाती है। अगर कोई दूसरा फाइकस है, फाइकस ग्रीनस में भी कभी 1-2 ब्रांच से निकल के रुक जाता है ग्रोथ, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ 2 प्लांट किए हैं, उसका टॉप पार्ट जो ट्रिमिंग किया था उसको भी यहीं हमने प्लांट कर दिया था, दूसरे वीडियो में आप रिफ़र कर सकते हैं। तो अनवांटेड ब्रांचें निकाल ली है, और इस तरह ट्रिमिंग करते रहे आपका प्लांट अपने आप शेप में आ जाएगा। अगर आप स्टाइल पे भी ना जाए तो भी बढ़िया है, अपने आप कुछ सोच के स्टाइल करें अपने प्लांट को अपने हिसाब से। क्योंकि मैंने जब शुरुआत की मुझे कुछ भी पता नहीं था, मुझे केवल इतना पता था कि एक सेलो पॉट में आप प्लांट कर दीजिए प्लांट को, और आप मनचाहा रूप दे सकते हैं वायरिंग से बस, और वो सेलो पॉट में कहते थे, तो हमने ऐसा ही किया था, इसलिए मुझे ज़्यादा साल लग गए। तो आप लोगों को तो ये गाइडेंस मिल रहा है कि कब कैसे शुरुआत करनी है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, उसका भी वीडियोस बना लिया है। बिगिनर्स के लिए अलग से प्लेलिस्ट है, उसके स्टेप्स स्टाइल के लिए भी अलग है, सब प्लेलिस्ट बन चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। स्पेसिफिक स्पीसीज पे भी प्लेलिस्ट बनेगा, और उसके जो वीडियो हो गए पहले वाले वो सब अटैच हो गए, तो अब थोड़ी सरलता रहेगी वीडियो देखने में। तो इस तरह से सिंपल सा हमने ट्रिमिंग कर लिया है दोस्तों। अब यहाँ जैसे ही न्यू ग्रोथ होता है हम उसको फिर से ट्रिमिंग करेंगे।
अगर वायरिंग करना चाहे तो कुछ ब्रांचों को मूवमेंट भी दे सकते हैं, बट इतनी मोटी ब्रांचें हैं नहीं। तो कुछ पुराने पत्ती जहाँ से ग्रोथ होता है उसकी पीछे वाली पत्ती अगर भूल गए हैं आप निकाल लें तो वो निकालना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ एरिएशन भी एक तरह से बना रहना चाहिए, घना भी इतना नहीं हो जाना चाहिए प्लांट, और सभी ब्रांचों को सनरेस मिलनी चाहिए। यहाँ देखिए ये ग्रोथ के बाद भी ब्रांचें थी, उसको हटा ली है। बस यही करना है, यही रूटीन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखते रहें।